आज हम करेंगे एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स जब हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल गिवेन हो एबीसी और डीईएफ दो सिमिलर ट्राइंगल है जो कि इनका एएल और डीएम परपेंडिकुलर है यानी कि एल्टीट्यूड है एएल एंड डीएम एल्टीट्यूड है हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया का जो रेशियो होता है उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है यानी कि एबी अपॉन डीई होल स्क्वायर ए सी अपॉन डी एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ होल स्क्वायर अब हम करेंगे सबसे पहले मैं प्रूव करूंगी एबीएल एंड डीईएफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो इन ट्राइंगल एबीएल एंड डीईएम एबीएल और डीई एम e, में हम देखेंगे क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है तो सिमिलर ट्राइंगल के एंगल्स क्या होते हैं इक्वी एंगुलर होते हैं तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और ये 90 डिग्री है दोनों के दोनों तो एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एम बोथ आर 90 डिग्री ईच तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से बाय एंगल एंगल ट्राइंगल एबीएल ए बी एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीई एम जब ए बी एल और डीईएम सिमिलर e, हो गए हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी एल अपॉन ई एम इज इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम ये सिमिलैरिटी से हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे तो अब हम निकालेंगे इनका एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या था वन अपॉन टू बी सी इंटू ए एल ठीक है और एरिया ऑफ डी एफ क्या है वन अपॉन टू ई एफ इंटू डीएम तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीईएफ तो यहां से हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा हमारे पास क्या बचा बीसी अपॉन ई एफ बी सी अपॉन ई एफ इन टू एएल अपॉन डीएफ और ए एल अपॉन डी एम हमने किसके इक्वल निकाला था एल अपॉन डी एम इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ के तो यहाँ से वैल्यू रख दूंगी बी सी अपॉन ई एफ इन टू बी सी अपॉन ई एफ तो ये बीसी अपॉन ई एफ होल स्क्वायर तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन डीईएफ इज इक्वल टू बीसी अपॉन ई एफ होल स्क्वायर और बी सी अपॉन ई एफ किसके इक्वल है ए बी अपॉन डीई के तो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इसका होल स्क्वायर तो जब भी दो सिमिलर ट्राइंगल हो उनका एरिया उनके एरिया का रेशियो कॉरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल होता है आई रिपीट द क्वेश्चन एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल एरिया ऑफ टू सिमिल दो हमारे पास ट्रेंगल दिए है एबीसी और डीईएफ यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन से इसमें एल्टीट्यूड डाल दिया है ए एल एन डीएम हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी एफ इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल है तो हमने सबसे पहले क्या किया ए बी एल और डी ई एफ को डी ई एम को सिमिलर प्रूफ किया तो इससे मुझे क्या मिलेगा ए एल अपॉन डी एम का रेशियो मिल जाएगा तो हमने प्रूफ कैसे किया ये 90 डिग्री है दोनों E और B इक्वल e होंगे क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है तो ए क्राइटेरिया से मैंने एल और एम को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो बी अपॉन ई ए एल अपॉन डी एम के इक्वल e आ गया है उसके बाद हमने यहाँ फॉर्मूले में रखा बी सी अपॉन ई एफ फार्मूले में रखा बी सी अपॉन बी सी इंटू ए एल एंड ई एफ इंटू डीएम हाफ से हाफ कैंसिल बीसी अपॉन ई एफ इंटू ए एल अपॉन डी एम ए एल अपॉन डीएम और एल अपॉन डीएम की वैल्यू हमने बीसी अपॉन ई एफ के इक्वल निकाली तो इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो स्क्वायर में आ जाएगी वैल्यू तो ये हमारा प्रूफ हो गया है नेक्स्ट थ्योर भी भी हमारी इसी से रिलेटेड है प्रीवियस से रिलेटेड हमारे पास दो है ट्राइंगलर ट्राइंगल एबीसी पी और मीडियन है AP and DQ दो median है मीडियन क्या करता है सामने वाली साइड को अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है यानी कि BP equal to PC, EQ equal to EF. हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई एफ इज इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू होल स्क्वायर यानी सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनके मीडियन के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल होता है ठीक है तो हम पहले करेंगे ये वाला जो ट्राइंगल है पी वाला और ई क्यू e, वाला इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो देखो गिवन हमारे पास क्या होगा क्योंकि ये दो सिमिलर ट्राइंगल है तो यहां पर हमें पता है वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई एफ किसके इक्वल होगा बी अपॉन डीई के होल स्क्वायर के ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं साइड के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल होता है तो अब हम करेंगे इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल डीई क्यू ABP इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में मैं देखूंगी तो यहां पर हमें पता है एंगल बी किसके इक्वल होगा एंगल ई e के इक्वल होगा और ए बी अपॉन DE सिमिलर ट्राइंगल से रेशियो इक्वल रेशियो होगा इक्वल होगा DE के बी सी अपॉन ई एफ अच्छा BC अपॉन ई एफ जो है मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ हाफ बी सी हाफ ई एफ मैंने दोनों को क्या कर दिया हाफ हाफ से डिवाइड कर दिया वन अपॉन टू से डिवाइड कर दिया मैथ्स का रूल है जब भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे डिवाइड भी करते हैं तो मैंने BC को ऊपर ऊपर न्यूमिनेटर को हाफ से डिवाइड करा टू से डिवाइड करा तो डिनोमिनेटर को टू से डिवाइड कर दिया अब हाफ बी सी क्या हो जाएगा मेरे पास बीपी क्योंकि क्या है पी जो है पी पॉइंट जो है इसका मिड पॉइंट है तो बीपी इक्वल टू बी सी तो बीसी का हाफ कितना होगा बीपी और ई एफ का हाफ कितना होगा ई क्यू तो ये आपके पास आया ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी है बीपी अपॉन ई क्यू दो साइड का रेशियो और एक एंगल इक्वल बी इज एंगल बी जो है वो है एंगल E के इक्वल तो साइड का दो साइड का रेशियो और एक एंगल हमारे पास आ गया है तो ये हो जाएगा साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे एबीपी सिमिलर टू ट्राइंगल डीई क्यू जब ये दोनों सिमिलर आ गए हैं तो हम लिखेंगे एबी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू ये मेरे पास आ गया है मैंने ए बी पी और डी ई क्यू को सिमिलर प्रूफ कर दिया है तो सिमिलैरिटी का रूल क्या कहता है कि उनके साइड के रेशियो इक्वल होंगे तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू क्लियर तो ए बी अपॉन डी पी अब यहां पर एरिया ऑफ ए बी सी किसके एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ किसके इक्वल था ए बी अपॉन डीई के होल स्क्वायर के इक्वल था अब मैं ए बी अपॉन डीई की जगह क्या लिख सकती हूँ पी अपॉन डी क्यू लिखा होल स्क्वायर और यही है मुझे क्या करना था प्रूफ करना था कि दो सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो होता है उनके मीडियम के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल होता है ठीक है हमने क्या किया एबीसी ट्राइंगल और डीईएफ ट्राइंगल e, में सबसे पहले क्या करा एबीपी और डीई क्यू e, को सिमिलर प्रूफ कर दिया जब ये सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे बी एंगल हमारा इक्वल है एबी अपॉन डीई हमें पता है और बीसी अपॉन ई एफ भी हमारे पास है सिमिलैरिटी से बीसी को मैंने हाफ बीसी लिखा ई एफ को मैंने हाफ ई एफ लिखा तो मेरे पास रेशियो आया बीपी अपॉन ई क्यू तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो एपी अपॉन डी क्यू को हमने हमारे पास रेशियो आ गया एबी अपॉन डीई के इक्वल और वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया तो हमारे पास आंसर आता है कि एरिया ऑफ एबीसी अपॉन डीईएफ इज इक्वल टू एपी अपॉन डी क्यू अब हम करते हैं 6.4 एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी एंड डीएफ एफ सिमिलर है यहाँ पर एबीसी का एरिया हमें 64 गिवन है और डीएफ का एरिया 121 है ई एफ जो है वो 15.4 है और हमें फाइंड आउट करना है बीसी तो यहाँ पे मैं पहले ट्रायंगल फॉर्म कर देती हूँ एबीसी ट्रायंगल और ई एफ ट्रायंगल हमारे पास फॉर्मूला क्या बोलता है ये दोनों कैसे सिमिलर है एरिया ऑफ एबीसी एरिया ऑफ डी ई एफ किसके इक्वल होता है साइड के रेशियो के होल स्क्वायर के ये एरिया हमें गिवन है 64 फोर अपॉन में 121 ट्वेंटी वन इक्वल टू बी सी हमें फाइंड आउट करना है और 15.4 आपके पास गिवन है तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे कैसे करेंगे यहां पर स्क्वायर है इस स्क्वायर को हटाऊंगी यहां पर रूट लगेगा जब स्क्वायर हटेगा तो यहां रूट लगेगा तो ये हो जाएगा 64 फोर अपॉन वन और ये बनेगा बीसी 15.4 सिक्सटी फोर का रूट कितना होता है एट वन ट्वेंटी वन का रूट होगा इलेवन और ये बी सी और ये फिफ्टीन पॉइंट फोर की वैल्यू निकालूंगे इसको यहाँ क्रॉस कर लेंगे तो एट इंटू फिफ्टीन पॉइंट फोर अप इलेवन इक्वल टू बी सी तो बी सी की वैल्यू इलेवन से से कैंसिल करेंगे तो इलेवन वन जाए इलेवन इलेवन फोर जा फोर्टी फोर होगा फोर्टीन एट इंटू वन पॉइंट फोर तो ये मल्टीप्लाई जब मैं करूंगी तो कितना आएगा हमारे पास इन टू सेंटीमीटर इक्वल टू बी तो ये आपकी आ गई बीसीकेंड क्वेश्चन है एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है ये एबीसीडी ट्रेपेजियम में हमें फाइंड आउट करना है एओ बी और सीओ ये दोनों ट्रांगल का रेशियो एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है तो इन दोनों ट्राइंगल में आप देख रहे हो क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या होती है अपोजिट ये साइड पैरेलल होती है ए बी पैरेलल टू सी डी ये हमें पता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे तो इन ट्राइंगल सीओ डी एंड एओबी एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू क्या लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर आप इसको भी कर सकते हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या जाएंगे थ्री एंड फोर इसको भी लिख सकते हो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर ये भी क्या होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो जब दो एंगल इक्वल हो गए तो हम क्या बोलेंगे बाय एंगल एंगल ट्र एओबी सिमिलर टू सीओडी ये दोनों सिमिलर हो गए हैं तो इनका एरिया एरिया ऑफ एओ बी एरिया ऑफ सीओडी इज इक्वल टू उनके साइड का रेशियो निकालेंगे तो सी एओबी ए बी अपॉन सी डी होल स्क्वायर होगा और ए बी इक्वल है टू सी डी इक्वल है यह हमें गिवन है सीडी कैंसिल तो ये हो जाएगा फोर अपॉन वन तो एओबी और सीओ डी का रेशियो कितना आया एरिया ऑफ एओ बी अपॉन एरिया ऑफ सीओडी इज इक्वल टू फोर इज टू वन क्वेश्चन नंबर थ्री है यहाँ पे हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है एबीसीडी और हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीबीसी इज इक्वल टू अपॉन डीओ यहां पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे यहां से एक परपेंडिकुलर डाला और यहां से भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया इसे नाम दिया मैंने ई e और ये नाम दिया मैंने एफ क्लियर ये सेम बेस ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है एबीसी ये सेम बेस है ये दिख रहा है ए बी ये बी बेस है और ये वाला जो ट्राइंगल है बी वाला बी इसका भी बेस कितना है एम है तो हम सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे तो इन ट्रायंगल ओ एंड e, ट्रायंगल डी एफ ओ ये वाला और ये वाला यहां पर हमें दिख रहा है कि एंगल ई e जो है वह एंगल एफ के ईच 90 डिग्री और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू क्या बोलोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल तो जब यहां पर दो एंगल मेरे पास आ गए तो हम बोलेंगे बाय ए ए ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ ओ जब ये दोनों सिमिलर हो गए हैं तो हमारे पास आ जाएगा अपॉन डीएफ एपॉन डी एफ इज इक्वल टू एओ अपॉन ओडी ए ई अपॉन ई डी एफ इज इक्वल टू एओ अपन ओडी साइड का रेशियो क्लियर अब हम निकालेंगे एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एबीसी का एरिया कितना होगा हाफ बेस बेस कितना है बीसी और हाइट कितनी है AE. और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी बी सी डी का हाफ बी सी बेस है हमारा बी सी और हाइट कितनी है डी एफ इसे क्वेश्चन वन बोलो इसे टू दोनों को रेशियो निकाल लेती हूँ तो एरिया ऑफ ए बी सी एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ बी सी डी बी सी डी का एरिया का दोनों का रेशियो निकाला तो हाफ बी सी इंटू ए और हाफ बी सी इंटू डी एफ तो यहाँ बी सी से बी सी कैंसिल हाफ से हाफ कैंसिल हमारे पास क्या बना एई अपॉन डी एफ तो ये बनेगा एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ बी सी डी AE अपॉन डी एफ और ए अपॉन डी एफ हमने किसके इक्वल निकाला था ये AE डी एफ इज इक्वल टू एओ अपॉन ओ डी तो यहां पे मैं लिख दूंगी ए ओ अपॉन ये हमारे पास फिगर गिवन थी हमने क्या करा ए e DF दो परपेंडिकुलर डाले यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल है ए ओ e वाला और डी ओ एफ वाला इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हमारे पास है ही और 90 डिग्री 90 डिग्री तो ये दोनों एंगल एंगल से क्या हो गए सिमिलर हो गए तो हमारे पास रेशियो आया ए अपॉन डी एफ इज इक्वल टू एओ अपॉन ओडी उसके बाद हमने क्या किया एरिया निकाला ए बी सी का हाफ बेस इंटू हाइट तो बेस है बी सी हाइट है एई बी सी डी का हाफ बी सी इंटू डी एफ और दोनों का रेशियो निकाल दिया तो रेशियो निकालने के बाद हाफ हाफ कैंसिल बीसी बी सी कैंसिल ए एफ एई अपॉन डी एफ आया और वो किसके इक्वल है एओ अपॉन ओडी के तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दो ट्रायंगल है एबीसी एंड डीई एफ इन दोनों का एरिया इक्वल है तो हमें ये प्रूफ करना है दो सिमिलर ट्रायंगल है ये दोनों ये दोनों का एरिया इक्वल है तो हमारे पास है एरिया ऑफ ए बी सी एस ये गिवन है इक्वल टू एरिया ऑफ डीई एफ अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर है हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों कांग्रेन भी है हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों कांग्रेंट है टू प्रूफ ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट ये कांग्रेन का साइन है डीईएफ डीएफ के कांग्रेट कॉन्ग्रेंट है वी नो दैट प्रूफ आ गया प्रूफ में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डीई एफ अभी हमने क्या प्रूफ किया था ए बी अपॉन डी ई होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ होल स्क्वायर यह हम प्रूफ कर चुके हैं अब क्योंकि एरिया दोनों का इक्वल है तो मैं एबीसी की जगह डीईएफ लिख सकती हूं तो एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ डीएफ की जगह एबीसी लिख दिया दोनों कैंसिल आउट होके क्या बनाएंगे वन एबी अपॉन ई होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन ए बी अपॉन यहाँ पे क्या किया मैंने एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ डी एफ दोनों इक्वल थे तो दोनों के जगह एबीसी एबीसी कर दिया कैंसिल आउट करके वन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई वन तो AB अपॉन डीई होल स्क्वायर इक्वल टू वन इट मीन्स AB अपॉन डीई इक्वल टू वन और ये हमें क्या देगा ए बी इज इक्वल टू डीई सिमिलरली एसी इज इक्वल टू डी एफ हो जाएगा और बी सी इक्वल टू ई एफ तो तीनों साइड इक्वल आ गई ये तीनों साइड ए बी इज इक्वल टू डी ई बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इक्वल टू डी एफ जब ये तीनों साइड इक्वल आ गई तो बाय साइड 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 कांग्रेन बाय साइड 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 कांग्रेनसी क्राइटेरिया से हम क्या करेंगे ट्राइंगल सी इज कॉन्ग्रेन टू ट्राइंगल ई एफ वेरी इजी हे प्रूव्ड दोनों का एरिया इक्वल था ये गिवन है क्योंकि दोनों सिमिलर ट्राइंगल है तो हमने ये रेशियो रख दिया इसका एरिया इक्वल है तो ये कितने के इक्वल होगा वन के और ये जो रेशियो है इसको हमने वन के इक्वल रखा और ए बी इक्वल टू डी ए सी इक्वल टू डी एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ हमारा आ गया जब हमारी तीनों साइड इक्वल है दोनों ट्राइंगल के तो दोनों क्या होंगे कॉन्ग्रेंट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है एबीसी ट्राइंगल है डी एन एफ ई ये तीनों मिड पॉइंट है एफ e, जो है मिड पॉइंट है साइड ए बी ई सी और ए सी के तो मिड पॉइंट थ्योरम हमें कहती है डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी ये हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था तो हम लिखेंगे बाय मिड थ्योरम ये लिखेंगे आप डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हमें प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है कि ये जो DEF एफ है इसका और ABC का एरिया उसका रेशियो निकालना मुझे तो तो हम करेंगे डी एफ इज हाफ ऑफ बी सी इसी तरीके से आप लिखोगे DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी एंड ई एफ इज हाफ ऑफ एसी नहीं EF जो होगा वो हाफ ऑफ ए बी होगा ई एफ डी एफ क्योंकि डीएफ क्या है मिड पॉइंट है डी और एफ मिड पॉइंट है तो ये अपोजिट साइड के क्या होते हैं ये वाली साइड के हाफ होंगे तो डी एफ इज हाफ ऑफ बीसी डीई डीई जो है वो ए सी का हाफ हो जाएगा और ई एफ जो है वो ए बी का हाफ हो जाएगा तो अब अगर मैं यहां से रेशियो निकालती हूं तो डीएफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू डीई अपॉन ए सी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन ए बी कितने के इक्वल है वन अपॉन टू तो इन तीनों साइड का रेशियो क्या है इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये डी एफ और ए बी सी दोनों क्या है सिमिलर ट्रायंगल है डी एफ और ए बी सी दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो इनका एरिया कितना हो जाएगा एरिया ऑफ डीई एफ अपॉन एरिया एबीसी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन बी सी होल स्क्वायर और डीएफ अपॉन बी सी का रेशियो कितना है वन अपॉइंट टू उसका होल स्क्वायर दैट इज वन अपॉइंट फोर यह आपका आंसर आ गया आपके पास गिवंता एबीसी डीई एफ जो है इसके मिड पॉइंट है मिड पॉइंट और हमने लिखा डी एफ ये हाफ ऑफ बी सी DE हाफ ऑफ ए सी ई एफ हाफ ऑफ ए बी जब तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ गया है तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है यहाँ पे लिख लेंगे सिमिलर ट्राइंगल DEF एफ सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी डी ई e, एफ और ABC क्या हो गए सिमिलर हो गए तो जब सिमिलर हो गए तो उनका एरिया क्या होगा साइड के रेशियो के होल स्क्वायर का और साइड का रेशियो कितना है वन अंट टू होल स्क्वायर तो वन पॉइंट फोर ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है एबीसीडी एबीसीडी के साइड पर एक ट्रायंगल बना है इक्विलेटरल ट्राइंगल और इसके डायगनल पर भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है तो हमें प्रूफ करना है टू प्रूव एरिया ऑफ बी एम सी ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया हाफ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एन इस ए सी एन के हाफ है क्लियर तो सबसे पहले यहां पर अगर मैं लेट साइड ऑफ स्क्वायर स्क्वायर की साइड अगर मैं ए ले लेती हूं तो ये वाला ट्राइंगल तो इक्विलेट्रल है ही इक्विलेटरल ट्राइंगल तो एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बी एम सी बी एम सी का एरिया होगा रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर इसे निकालने की जरूरत नहीं है इसका एरिया क्योंकि हम दोनों ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं सिमिलर ट्रायंगल है इसके भी सिक्सटी सिक्सटी बनता है ये दोनों ट्रायंगल सिक्सटी 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 ये भी सिक्सटी सिक्सटी इन दोनों के एंगल इक्वल है तो ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो हम एरिया का रेशियो ही निकालना हमें तो हम ये वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे हम करते हैं इसकी साइड है बी सी हम इसकी साइड निकाल लेंगे तो इसकी साइड हो गई हमारे पास स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया इसकी साइड निकालेंगे तो डायगनल निकालना पड़ेगा हमें इसका डायगोनल का फार्मूला हम लगा लेंगे आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो डायगनल डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है ए रूट टू यानी कि साइड रूट टू ये फॉर्मूला ही होता है साइड इंटू रूट टू डायगेनल का ये निकला कैसे जब हमारे पास कोई स्क्वायर है डायगेनल कैसे निकालते हैं मेरे पास एक स्क्वायर है ए और ये ए इसकी साइड है और ये 90 डिग्री तो पाइथागोरस थ्योरम में लगाऊंगी यहां पर ये यह ए है तो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर ए बी कितना है ए बी सी कितना है ए और ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर तो ए सी की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट टू ए स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा और ए बनेगा ए रूट टू तो ये बना हमारा ए रूट टू इसकी वैल्यू आ गई ए रूट टू तो ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल बी एम सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी एन ए सी एन के सिमिलर है बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी से तो एरिया ऑफ बीएमसी अपॉन एरिया ऑफ ए सी एन इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी और इसका होल स्क्वायर तो बी सी बी सी की जगह बी सी रखूंगी ए सी कितना हो गया बी सी की जगह आप ए रख लीजिए बी सी की जगह ए रखा ए सी की जगह ए रूट टू होल स्क्वायर तो ये बना ए स्क्वायर बना टू ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल वन अपॉन टू एरिया ऑफ बी एम सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ये आपका आंसर हमारे पास क्या था एबीसीडी स्क्वायर था इसकी साइड हमने ए ली इसका डायग्नल फाइंड आउट किया ए रूट टू और ट्राइंगल का रेशियो निकाल, निकाल दिया एरिया का रेशियो निकाल दिया तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल का एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रख लेंगे ए सी ए बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू रखी ए अपॉन ए रूट टू ए ए कैंसिल वन अपॉन रूट टू बनेगा तो वन अपॉन टू तो बी एम सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एन ये हमारा आ गया आंसर हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी और एक्स वाई जो है ये लाइन पैलल है एक्स वाई इज पैल टू ए सी ये हमारे पास गिवन है एक्स वाई इज पैल टू ए सी गिवन है दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है एरिया ऑफ बी एक्स वाई ये जो लाइन है एक्स वाई इस पूरे ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है यानी कि एरिया ऑफ बी एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी वाई एक्स ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है इन दोनों का एरिया क्या है इक्वल है हमें फाइंड आउट करना है ए एक्स अपॉन ए बी ये ए एक्स और ए बी ए एक्स अपॉन ए बी हमें फाइंड करना है अच्छा तो हम इसमें लिख सकते हैं एरिया ऑफ एबीसी इस एबीसी का अगर मैं एरिया बोलू तो क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल है तो मैं यहां पे लिख सकती हूं ट्वाइस ऑफ बी एक्स वाई एरिया ऑफ एबीसी क्या है बी एक्स वाई के टू टाइम्स है तो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ बी एक्स वाई इज इक्वल टू टू अपॉन वन या आ गया आपके पास उसके बाद है ये दोनों ट्रायंगल ये वाला जो ट्रायंगल है बी एक्स वाई और सी इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूफ करूंगी एंगल बी दोनों में कॉमन है ये क्योंकि हमारे पास कैसी है लाइन पैल लाइन है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा ठीक है तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी एक्स वाई एंड सी बी एक्स वाई में और बी ए सी में लिख देती हूं बी ए सी बी ए सी में एंगल बी एज इक्वल टू एंगल बी कॉमन है और एंगल बी एक्स वाई ये वाला किसके इक्वल होगा बी ए सी के दोनों कैसे कॉरेस्पोंडिंग एंगल ठीक है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आ गए तो बाय सिमिलैरिटी बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से बी एक्स वाई क्या हो गया दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ एरिया ऑफ बी ए सी बी और एरिया ऑफ बीएक्स वाई का रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी बीए सी क्या होगा एबी और अपॉन बी एक्स होल स्क्वायर और इन दोनों का रेशियो कितने के इक्वल था टू अपॉन वन के तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी एक्स यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां पे रूट लग जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी एक्स इक्वल टू रूट टू ठीक है हमें फाइंड आउट करना है ए एक्स ए एक्स कैसे निकालेंगे ए एक्स अगर मैं ए बी में से बी एक्स को माइनस कर दू तो ए एक्स आएगा तो ए बी माइनस बी एक्स करना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे मैं इस बी एक्स को यहां क्रॉस कर रही हूं तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू रूट टू ऑफ बी एक्स यहां पर बी एक्स है ये बी एक्स बी एक्स जो है मैं बी एक्स की वैल्यू को लिखूंगी ए बी माइनस ए एक्स तो बी एक्स की जगह हम लिखेंगे रूट टू ए बी माइनस ए एक्स क्लियर तो यहां से ए बी ए बी को मैं एबी को या रूट टू को मल्टीप्लाई करो ए बी ए बी एक साइड लेके आ जाएंगे ए बी कॉमन आएगा तो यह जाएगा वन माइनस रूट टू इक्वल टू माइनस रूट टू ए एक्स ये है हमारे पास ए बी रूट टू से मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा तो रूट टू ए एक्स ए एक्स को इस साइड लेके आ जाएंगे और ए बी को इस साइड लेके गई मैं ए बी को कॉमन ले लो हमें क्या निकालना था एक्स अपॉन ए बी तो ये बन जाएगा रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू ठीक है तो ये हमारे पास इसका रेशियो आ गया जो कि हमें फाइंड आउट करना था ए बी सी और ट्राइंगल था हमारे पास एक्स वाई गिवन है कि ये पैरेलल है ए सी के हमने हमारे पास गिवन है कि ये बी एक्स वाई जो है इक्वल है किसके ए सी वाई एक्स के एरिया के इक्वल यानी इन दोनों का एरिया इक्वल है हमने लिखा एरिया ऑफ एबीसी ये पूरा जो एबीसी है इसका एरिया ये टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है और ये दोनों पार्ट इक्वल है तो हमने टॉइस ऑफ बी एक्स वाई लिख दिया इन दोनों का जब रेशियो निकाला तो ये टू हो गया उसके बाद ये बी एक्स वाई और बी ए सी दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर करेंगे तो ये क्योंकि दो लाइन है इक्वल है पहला लाइन है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और बी हमारा कॉमन आ जाएगा तो यहां से ये सिमिलर भी हो गए उसके बाद इन दोनों की सिमिलरिटी हो जाएगा बी एसी अपॉन बी एक्स टू ए बी अपॉन बी एक्स होल स्क्वायर बी एसी अपॉन बी एक्स वाई का जो रेशियो था वो था टू अपॉन वन यहां से होल स्क्वायर से रूट लगा दिया तो ये आ जाएगा AB अपॉन बी एक्स इक्वल टू रूट टू ए बी इक्वल टू रूट टू बी एक्स करा बी एक्स की वैल्यू को हमने लिखा ए बी माइनस ए एक्स मुझे वैल्यू किस में चाहिए ए एक्स और ए बी में तो बी एक्स को हमने ब्रेक करके लिख दिया एबी माइनस ए एक्स इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ए बी ए बी को एक साइड लेके गए ए एक्स को एक साइड लेके गए और इनका रेशियो निकाल दिया तो मेरे पास इसका आंसर आ गया